दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा। खबर रीवा से है, जहां बिजली की समस्या को लेकर NSUI ने रीवा जिले के अमहिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत अधीक्षण यंत्री कार्यालय पहुंचकर घेराव किया, जहां अधिकारियों के बाहर न निकलने से आक्रोश फूट पड़ा। इस दौरान छात्रों ने जमकर नारेबाजी की। छात्रों ने बताया कि बिजली की समस्या शहर से लेकर गांव तक बनी हुई है, किसी तरह से हॉस्टल और आसपास रहने वालों को पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है। NSUI के पदाधिकारियों ने यह भी कहा कि भाजपा सरकार 24 घंटे पानी बिजली देने की बात कहती है, लेकिन समस्याएं जस की तस है। यहाँ पर स्थिति ऐसी है कि अधिकारी ज्ञापन लेने तक तैयार नहीं है। आइए सुनाते हैं NSUI के पदाधिकारी ने क्या कहा। आज हम लोग अमहिया में MPB कार्यालय में, जहां से विद्युत वितरण होता है, हम लोग भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI के मजबूर होकर छात्र आज यहां धरने में बैठे हुए हैं। यहां पे आधे एक घंटे से लगातार नारा लगाए जा रहे हैं कि ऐसी जहां बाहर आओ, कार्यपालन यंत्री बाहर आओ। कोई होश में आने को तैयार नहीं है, बाहर आने को तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि अच्छे दिन आ गए हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि इससे अच्छे दिन कब आएंगे, ये बताइए। करहिया में और मैदानी में, मैं अभी वर्तमान वहीं रहता हूं, वहां की कंडीशन बता देता हूं आपको। बिजली रहती है अगर वहां, तो बिजली इस प्रकार है कि पंखा डोलता है, ठीक है, एक बल्ब जल रहा, दूसरा बटन मार दो तो बंद हो जाता है। ये कंडीशन है यहाँ की। फ्रिज नहीं चल रहा है, फ्रिज की तो बात छोड़िए। रात को छत में बैठना पड़ता है 2-2 बजे तक रहवासियों को, ठीक है। बोर नहीं चल पा रहा, हम लोग पानी मंगा रहे हैं पीने के लिए सिर्फ। आप करहिया चले जाइए, आप देख लीजिए क्या कंडीशन है। मैं पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के 8-8 विधायक हैं, एक सांसद है, कौन इसमें बात करेगा और कौन जनता की समस्या हल करेगा। हम तो विपक्ष में हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, हम वहाँ के रहवासी हैं, आगे यहाँ धरने में बैठे, कोई ज्ञापन लेने को तैयार नहीं है। कोई कहता है हमारे पास कोयला नहीं है, कोई कहता हमारे पास बिजली उपलब्ध नहीं है, कोई कहता बिल नहीं जमा। मैंने कहा कि आप आइए, समय समय पर बिल लेने जब पहुँच जाते हैं तो लाइट देना पड़ेगा। पंखा नहीं चल रहा है 1 महीने से, लगातार CM हेल्पलाइन में कॉल किया जा रहा है, लगातार 19-12 में कंप्लेन की जा रही 15 दिन से, उसके बाद भी कोई निराकरण नहीं हुआ। आज हम सबको मजबूर होकर यहाँ धरने में बैठना पड़ रहा है। हम लोग बैठे हैं और ज्ञापन दे के जाएंगे। अगर आज आश्वासन मिला कि एक दिन का अल्टीमेटम दूंगा केवल, कल मैं वहाँ के रहवासियों को लेकर यहाँ आके धरने में बैठूंगा, भूख हड़ताल भी करूंगा और रीवा बंद का भी आह्वान शहर कांग्रेस अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू भैया के मार्गदर्शन में और उनके नेतृत्व में हम लोग कार्यालय का घेराव करेंगे। दिक्कत ये होती है, पहली बात तो बिजली कटौती हो रही है कंटिन्यू, ठीक है, उसके बाद लाइट का वोल्टेज सही नहीं है, जिसके वजह से एक पंखा नहीं चल पा रहा घर में, एक कूलर नहीं चल पा रहा, इतनी भीषण गर्मी है, पानी की समस्या हो रही है। आप पंखा कूलर की तो बात छोड़ दीजिए, पीने के पानी नहीं उपलब्ध हो पा रहा घर में। हम लोग बोतल मंगा रहे हैं, पानी का डब्बा मंगा रहे हैं।